अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फैब्रिक फोल्डर बनाना सिखा रही हूँ। मैं ये ईदी के लिए फोल्डर बना रही हूँ। फोल्डर के लिए मैंने ये ब्रोकेट का फैब्रिक लिया है और मैंने इसमें ये कॉटन की लाइनिंग ली है। मैंने इन दोनों पीसेस की कटिंग कर ली है। मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। 12 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है और ब्रेथ मैंने इसकी 8.5 इंच ली है। सेम साइज़ की मैंने ये टू पीसेस की कटिंग कर ली है। अब मैं इसकी बैक साइड पर पेपर पेस्टिंग पेस्ट करूँगी। आप चाहें तो उसके जाते हैं बुकरम का यूज़ भी कर सकते हैं। अब मैंने इस पर पेपर पेस्टिंग लगा ली है। ये इसकी लाइनिंग है। अब मैं इस फैब्रिक को नीचे से फोल्ड कर दूंगी। मैंने इसे इस तरह फोल्ड कर दिया है। मैंने इसे ये 4 इंच पे फोल्ड करा है। अब मैं इसके ऊपर 1.5 इंच के गैप से मार्किंग कर दूंगी। फिर मैं ऊपर से भी इस तरीके से इसे फोल्ड कर दूंगी। इस तरह फोल्ड करके मैं इस पर क्रीज बना लूंगी। अब मैंने इसे 1.5 इंच पे मार्किंग कर लिए। इस तरीके से मैं इसकी दूसरी साइड पे भी मार्किंग कर लूंगी। इस तरह मैंने दोनों साइडों पे मार्किंग कर ली है। अब मैं इसके सेंटर पे मार्किंग कर लूंगी। मैंने इसकी हाफ में मार्किंग कर ली है। अब इन दोनों पॉइंटों को मैं दूसरे से मिला लूँगी। मैं इस पर लाइन बना लूँगी। इस तरह मैंने इसकी एक साइड पे लाइन बना ली है। अब मैं इसकी दूसरी साइड पे भी इस तरीके से लाइन बना लूँगी। इस तरह की दोनों साइडों की लाइन बन चुकी है। अब मैं इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दूँगी। इस तरह मैंने इसकी एक साइड की कटिंग कर ली है। अब मैं इसकी दूसरी साइड की कटिंग भी कर लूँगी। इस तरह इसकी की दोनों साइडों की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसकी लाइनिंग के ऊपर रख के फिर मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। इस तरह मैंने इसकी लाइनिंग के ऊपर रख दिया है। अब मैं ये गोटा लेस का यूज़ करूँगी। इसे मैं इसके सेंटर में लगाऊँगी इसमें डोरी बनाने के लिए। इस तरह मैं इसे इसके अंदर की साइड रख दूंगी। फिर मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। अब मैं इसकी नीचे की साइड से सिलाई लगा रही हूँ। अब मैं इसकी ये साइड की सिलाई लगा रही हूँ। अब मैं इसकी ऊपर की साइड पे सिलाई लगा लूंगी। बीच में मैंने इसकी डोरी रख रखी है। मैं इसमें डोरी बनाने के लिए गोटा लेस का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो रेडीमेड डोरी का यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने एनवलप बनाने के लिए ब्रोकेट फैब्रिक का यूज़ करा है। आप चाहें तो सिल्क का यूज़ भी कर सकते हैं या आप उसके लिए वेलवेट का यूज़ भी कर सकते हैं। इस तरह की साइड की सिलाई भी लग चुकी है। मैं इसके बॉटम में सिलाई लगा लूँगी। बीच में थोड़ा सा मैं इसे कलर छोड़ दूँगी। जहाँ से मैं इसे सीधा करूँगी अब मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लूँगी। इस तरह इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग भी हो चुकी है। अब मैं इसे सीधा कर लूँगी। अब मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब मैं इसकी सेंटर की सिलाई लगा लूँगी जहाँ से मैंने इसे सीधा करा था। इस तरह से बॉटम में सिलाई भी लग चुकी है। अब मैं इसकी थ्रेड की कटिंग कर दूँगी। अब मैं इस पर गोटा लेस रख के सिलाई लगाऊँगी। इस तरह मैं इस पर लेस रखती जाऊँगी। मैं इस पर सिलाई लगाती जाऊँगी। मैं इस पर गोटा लेस लगा रही हूँ। आप चाहे तो कोई और लेस का यूज़ भी कर सकते हैं। मैं ये ईदी का एनवलप अपनी अम्मी के लिए बना रही हूँ। उनका ईद का सूट इस कलर का है तो उसके सेम कलर का मैं ये एनवलप बना रही हूँ। इस तरह इस पर गोटा लेस भी लग चुकी है। अब मैं इस एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर लूँगी। अब मैं इसे फोल्ड कर लूँगी। मैंने इसे इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। मैंने ये 4 इंच की आपसे फोल्ड कर दिया है।
अब मैं इसकी साइड की सिलाई लगा लूँगी। पहले मैं इसकी एक साइड की सिलाई लगा लूँगी। इस तरह की इसकी एक साइड की सिलाई लग चुकी है। अब मैं ये इसकी दूसरी साइड की सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह इसकी दूसरी साइड की सिलाई भी लग चुकी है। अब मैं इसकी थ्रेड की कटिंग कर लूँगी। इस तरह की एनवलप तैयार हो चुका है। ये एनवलप मैंने अपनी अम्मी के लिए बनाया है। आप जिसके लिए एनवलप बना रहे हैं आप उनका नाम भी लिख सकते हैं। मैंने इस पर स्टोन से लिख दिया है अम्मी की दीदी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।